हम सबको पता है कि इंडिया इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड, पर इस ग्रोथ स्टोरी के साथ ही साथ एक और भी चीज ग्रो हो रही है जिसका ग्रोथ किसी भी इकोनॉमी के लिए डिजास्टर साबित हो सकता है, और वो है फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट यानी गवर्नमेंट अपनी इनकम से कितना ज्यादा एक्सपेंडिचर कर रही है। 2016-17 में फिस्कल डेफिसिट हमारी जीडीपी का सिर्फ 3.5% था, जो 2022-23 में बढ़कर 6.4% हो चुका है। पर क्या आपको पता है इस ग्रोइंग फिस्कल डेफिसिट का वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन क्या है? द आंसर इज डिलेड गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स। जब दिसंबर 2023 में ऑनगोइंग 1820 सेंट्रल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को मॉनिटर किया गया तो पता चला इन प्रोजेक्ट्स की कॉस्ट अपनी ओरिजिनल कॉस्ट 25.87 लाख करोड़ से बढ़कर अभी 30.69 लाख करोड़ हो चुकी है, मतलब 4.82 लाख करोड़ एक्स्ट्रा कॉस्ट, जो कि झारखंड जैसी स्टेट की जीडीपी 4.23 लाख करोड़ से भी ज्यादा है। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अलंकार और आज हम बात करेंगे डेवलपिंग इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम डिलेड गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के बारे में। इस टॉपिक को हम तीन सिंपल स्टेप्स में समझेंगे। पहला, क्यों ये प्रोजेक्ट्स इतने इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। दूसरा, क्यों इतने इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स इतना डिले हो रहे हैं। और तीसरा, गवर्नमेंट क्या स्टेप्स ले रही है इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। आपको क्या लगता है वो कौन सी ऐसी चीज है जो अमेरिका को एक डेवलप्ड नेशन और इंडिया को एक डेवलपिंग नेशन बनाती है? हाँ, वैसे तो काफी सारे डिफरेंसेस हैं, पर जो सबसे बड़ा डिफरेंशिएटर है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर को ही यूज करके चाइना सिर्फ 30 सालों में एक पुअर नेशन से एक डेवलपिंग नेशन और फिर वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट डोमिनेटिंग इकोनॉमी बन गई। वैसे हमारी गवर्नमेंट को भी ये बात पता है, इसलिए हर साल गवर्नमेंट अपनी कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाती जा रही है। जहां दिसंबर 2022 में 150 करोड़ से ज्यादा लागत वाले सेंट्रल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट सिर्फ 1438 थे, वहीं दिसंबर 2023 आते आते ये नंबर्स बढ़कर 1820 हो गए, मतलब 26.56% ग्रोथ ईयर ऑन ईयर। फिर क्या हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर सच में इसी तेजी से बढ़ रहा है? अनफॉर्चुनेटली नो। ये प्रोजेक्ट्स टाइम पे तो लॉन्च होते हैं पर टाइम से कंप्लीट नहीं हो रहे। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे प्रोजेक्ट अपनी ओरिजिनल टाइमलाइन से 21 साल, आंध्र प्रदेश की कोटीपल्ली नारासपुर रेलवे प्रोजेक्ट अपनी ओरिजिनल टाइमलाइन से 18 साल और एनएचपीसी की सुबनसिरी लोअर डैम अपनी ओरिजिनल टाइमलाइन से 14 साल डिले चल रही है। लास्ट ईयर दिसंबर 2023 के डेटा के हिसाब से सिर्फ इन्हीं मॉनिटर्ड 1820 प्रोजेक्ट्स में से 848 प्रोजेक्ट्स डिलेड चल रहे हैं, जिसकी वजह से इन प्रोजेक्ट्स का कॉस्ट 4.82 लाख करोड़ से बढ़ गया है। और ये तो सिर्फ उन सेंट्रल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का डेटा है जिनकी कॉस्ट 150 करोड़ से ज्यादा है। इन्हें छोड़कर जो बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, उनकी हालत तो और खराब है। पर क्यों इतने इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने में इतना डिले हो रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन ने बताया इसका सबसे बड़ा रीजन है डिले इन लैंड एक्विजिशन। पब्लिक लैंड के ऊपर कोई भी प्रोजेक्ट बनाने के लिए गवर्नमेंट वहां से सबसे पहले पब्लिक को दूसरी जगह शिफ्ट करती है और उसके लिए गवर्नमेंट को पब्लिक से वो लैंड खरीदनी पड़ती है। और इंडिया में ये बहुत ही लंबा और हैसल वाला प्रोसेस है। अक्सर इन प्रोसेस में प्रोटेस्ट, केसेस और पब्लिक डिस्प्यूट देखने को मिलता है। यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने इसी चीज को पॉइंट आउट करते हुए गवर्नमेंट ऑफिसर्स और इंजीनियर्स को कहा कि सफिशियंट लैंड अक्वायर करने से पहले वो लोग क्यों एक के बाद एक प्रोजेक्ट्स की बिडिंग कर रहे हैं। इसकी वजह से डिस्प्यूट्स हो रहे हैं और फिर डिले और भी बढ़ रहा है। और उसके बाद जो सबसे बड़ा रीजन है वो है इन प्रोजेक्ट्स की मॉनिटरिंग ना होना। ये देखिए, डिले इन टेंडरिंग, डिले इन टाई अप ऑफ प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग, डिले इन ऑनबोर्डिंग फॉरेस्ट और एनवायरमेंट क्लियरेंसेस, डिले इन टेक्निकल अप्रूवल, डिले इन फाइनलाइजेशन ऑफ डिटेल्ड इंजीनियरिंग लिटिगेशन। इन प्रोजेक्ट्स में काम कर रही गवर्नमेंट एजेंसीज अपने आप में तो डिले कर ही रहे हैं और इनके बीच में कोई भी प्रॉपर कोऑर्डिनेशन ना होने की वजह से प्रॉपर मॉनिटरिंग भी नहीं हो पा रही है। और फिर आता है द साइलेंट किलर, करप्शन। हालांकि ये तो मिनिस्ट्री की दी हुई रीजंस में शामिल नहीं है, पर हम सबको पता है करप्शन एक मेजर रीजन है इन प्रोजेक्ट्स में डिले या फिर पुअर क्वालिटी का। सो नाउ द बिग क्वेश्चन इज, तो फिर गवर्नमेंट क्या स्टेप्स ले रही है इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए? तो लैंड एक्विजिशन प्रोसेस को स्मूथ करने के लिए अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ मेजर चेंजेस नहीं ला पाई है, पर लैंड के प्राइसेस काफी ज्यादा बढ़ाए गए हैं ताकि फार्मर्स को उनके जमीन के लिए फेयर प्राइसेस मिले।
और फार्मर्स के इश्यूज को क्लोजली समझ के उन्हें जल्दी से जल्दी रिजर्व किया जा सके, इसलिए स्टेट गवर्नमेंट पूरी लैंड एक्विजिशन प्रोसेस को कंप्लीट कर रही है। गुजरात गवर्नमेंट की लैंड बैंक इनिशिएटिव ने काफी एफिशिएंटली इस प्रोसेस को सॉल्व किया है, जिसे अब सेंट्रल गवर्नमेंट भी इम्प्लीमेंट कर सकती है। 2015 में सरकार ने प्रगति यानी प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन लॉन्च किया, जो कि एक आईटी बेस्ड रिड्रेसल एंड मॉनिटरिंग सिस्टम है, जिसके तहत खुद प्राइम मिनिस्टर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेक्रेटरीज और चीफ सेक्रेटरीज ऑफ स्टेट्स इन प्रोजेक्ट्स में हो रही प्रॉब्लम्स को एड्रेस और मॉनिटर कर पाए। फिर मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को एफिशिएंटली मॉनिटर करने के लिए ऑनलाइन कंप्यूटराइज्ड मॉनिटरिंग सिस्टम और इन प्रोजेक्ट्स की फास्ट इम्प्लीमेंटेशन के लिए खुद चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स के अंडर सेंट्रल सेक्टर प्रोजेक्ट्स कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाया गया है। 2021 में प्राइम मिनिस्टर गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान लॉन्च किया गया, जो कि ऑनगोइंग एंड फ्यूचर प्रोजेक्ट्स का एक कॉम्प्रिहेंसिव डेटाबेस प्रोवाइड करेगा, ताकि सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट की डिफरेंट मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स इन प्रोजेक्ट्स की इंटीग्रेटेड प्लानिंग, डिजाइनिंग एंड मॉनिटरिंग एक सिंगल पोर्टल पर कर पाए, जिससे इन प्रोजेक्ट्स की टाइमलाइन को ट्रैक किया जा सके और डिले ना हो। इंडियन इकोनॉमी के लिए इन प्रोजेक्ट्स का टाइम पर कंप्लीट होना कितना इम्पोर्टेंट है, ये दर्शाने के लिए नितिन गडकरी जी ने पार्लियामेंट में फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी को कोट करते हुए कहा था, और उन्होंने कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। वैसे आपको क्या लगता है, गवर्नमेंट को और क्या स्टेप्स लेनी चाहिए इतने इम्पोर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को टाइम पर कंप्लीट करने के लिए, कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आप इन प्रोजेक्ट्स के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं, तो मैंने सारे रिसोर्सेज डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दिया है। और अगर आप लद्दाख के ऑनगोइंग प्रोटेस्ट के बारे में जानना चाहते हैं, तो ये वीडियो जरूर चेक करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, तो इसे लाइक जरूर करें और लाइक माइंडेड लोगों के साथ जरूर शेयर करें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे साथ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।